नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर स्वास्थ्य शिक्षा संविदा कर्मियों की हड़ताल कई दिनों से जारी है। नेता यहां पर लगातार समर्थन देने आ रहे हैं। रीवा शहर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा भी स्वास्थ्य कर्मियों को समर्थन देने पहुंचे। हम आपको बता दें, पूरे प्रदेश में इस समय 32,000 स्वास्थ्य कर्मी अपनी परमानेंट की मांग को लेकर सड़क पर हैं। रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने संविदा कर्मियों का टेंट पिछले 8 दिनों से लगातार लगा हुआ है। हम आपको बता दें, पूरे प्रदेश में 32,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी इन दिनों हड़ताल पर हैं। उसके चलते रीवा के भी स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। उनका साफ तौर से कहना है, हमें पिछले 20 साल से संविदा कर्मी के रूप में लगातार सरकार काम ले रही है। हम चाहते हैं हमें नियमित किया जाए। जब तक सरकार नियमित नहीं करेगी, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों का साफ तौर से कहना है, सरकार हिमाचल में जिस तरीके का परिणाम आया है, वहां जिस तरीके से सत्ता बदली है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। सरकार ने अगर हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो लगातार अनशन स्थल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समर्थन देने लोगों के आने जाने का सिलसिला बरकरार है। महापौर रीवा धरना स्थल पर पहुंचे। चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के डॉक्टर अमित भी धरना स्थल पर पहुंचे। हमारी टीम ने उनसे बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। नियमित करना न करना यह अलग बात है, पर आपने उन्हें वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है जो जाए और अपने क्षेत्र की जनता का हाल समाचार पूछे, अपने मतदाता का पूछे कि आप क्यों बैठे हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर सत्ता पक्ष का विधायक है तो आपके धरने की बात अपने मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकता। रीवा विधायक राजेश शुक्ला क्यों नहीं आए? क्यों आपके पास आकर और आपकी बातों को ले जाकर मुख्यमंत्री तक क्यों बातें नहीं की? उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। वो रीवा के विधायक हैं, वो 15 साल मंत्री थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि 2018 में आपने उनको वोट देकर यहाँ जिताया है तो आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। आपको हम अपने सर आंखों में रख रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज आपको दिवस कर दिया कि आप आंदोलन करने के लिए मजबूर। संविदा एक जो परंपरा बनाई गई, ये परंपरा ही गलत है। 30-30 वर्ष से जो लोग संविदा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अगर उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? जी सर, आज आप लोग भी समर्थन में आए हैं संविदा स्वास्थ्य जी, क्या कहते हैं? कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ बना ही इसलिए है, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसको बनाया ही इसलिए गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी ठीक है ना, उनको हम समर्थन कर सकें, उनकी मांगों को हम बड़े स्तर पर विधानसभा स्तर पर रख सकें। आज हम इसी के समर्थन में आए हैं। संपूर्ण कांग्रेस पार्टी कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इनकी मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल मांगी जाएंगी। हम घोषणा पत्र में इनके मांगों को शामिल करवाएंगे और इनकी नियमितीकरण के लिए बिल्कुल मांगा इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी। जैसे फिर से कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इनकी उपयोगिता कितनी है आगे वाले समय? बहुत ज्यादा। ये तो भगवान की सेवा जैसा कार्य है, बिना डरे निडर होके स्वास्थ्य सेवा हमारे स्वास्थ्य सेवक कर रहे थे, संविदा कर्मी कर रहे थे स्वास्थ्य सेवक। तो अगर उनको हटाया जाता है उस विपत्ति काल के बाद तो ये तो बड़ी विडंबना है। देख रहे होंगे अभी चाइना का हाल, भगवान न करे कि दोबारा से कोरोना आए,
लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगिता है। एक डॉक्टर, एक स्वास्थ्य सेवक तो भगवान का दूसरा रूप होता है, और वो आज इतना परेशान है, इससे बड़ी विडंबना क्या है कि वो हड़ताल पे बैठा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी और चिकित्सा प्रकोष्ठ का पूर्ण समर्थन है, और मैंने ये अपने प्रकोष्ठ में भी बोला हुआ है कि जब तक ये है तो कोई ना कोई आके समर्थन में यहाँ बैठे। क्रमिक ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।